हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों का एक मोस्ट जो है क्वेश्चंस आप लोगों के कमेंट में मैं देखता था, उसी को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो पर मैं आप लोग आज की भी इस वीडियो पर बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से, एंड्रॉइड के फ़ोन से कैसे अपनी वीडियोज़ पर, यूट्यूब वीडियोज़ पर थंबनेल को कैसे लगाओगे। बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि मनोज भाई, मेरे थंबनेल का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं थंबनेल लगा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अपने थंबनेल को कैसे लगाता हूँ और आपको कैसे लगाना है, ये डिटेल बताऊंगा। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक बार आप समझ को देख लोगे, उसके बाद आप अपने वीडियोज़ पर, सारे वीडियोज़ पर थंबनेल लगा पाओगे। और थंबनेल कैसे बनाते हैं, इस पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, जाकर के देख सकते हो। और थंबनेल आज बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो पर लगा सकते हो, थंबनेल को सेट कैसे करते हो, वो भी स्मार्टफोन से मैं करके दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए एंड तक। और चैनल पर अगर आप नए हो तो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने YouTube वीडियोस पर थंबनेल लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। आप वेरीफाई करोगे तो ही आपके YouTube वीडियोस पर थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलेगा। वेरीफाई जब तक नहीं करोगे तब तक थंबनेल लगाने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करना होगा क्रोम के ब्राउजर पर, जो कि आप क्रोम देख रहे हो ये। तो क्रोम के ब्राउजर पे आप अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे यूट्यूब खोल रखा है और ये देखिए मेरा चैनल खुला हुआ है ब्लॉग वाला। तो यहाँ से अपने चैनल को सबसे पहले खोलना है। चैनल को खोलने के बाद एकदम से इस तरह से खुलेगा, तो आपको ऐसा नहीं खुलेगा, मोबाइल वर्जन में खुलेगा। तो आपको डेस्कटॉप मोड पे खोलना है, ये अभी डेस्कटॉप मोड पे किया हुआ। देखिए डेस्कटॉप मोड करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होता है। देन यहाँ से देखिए एक ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइट, तो इसको आपको देखिएगा, यहाँ पे मेरा क्लिक लगा हुआ आपका नहीं होगा, तो आपको यहाँ से इस तरह क्लिक लगा देना है। तो क्लिक जैसे ही कर दोगे तो आपको डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगा, मतलब कि लैपटॉप पीसी की तरह आपको फ़ोन में खुल जाएगा आपका यूट्यूब चैनल, जो कि लैपटॉप पीसी में इस तरह से दिखता है। तो इस तरह से आपका यूट्यूब चैनल ओपन होने के बाद आपको एकदम कोने में जो चैनल का लोगो दिख रहा है, इस तरह जूम कर लेना है। उसके बाद देखिए ये लोगो जो है, यहाँ से आपको क्लिक करना होगा और देन जाना होगा आपको क्रिएटर स्टूडियो में, क्लासिक वर्जन में, बीटा वर्जन में नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपने चैनल के क्रिएटर स्टूडियो को क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ से क्रिएटर स्टूडियो को क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे साइड पर, ये जो आप देख रहे हो, तो ये साइड पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो आपको यहाँ से जाना है चैनल के ऊपर, सॉरी यहाँ से कुछ टाइप हो गया था तो मैं यहाँ बैक करता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ के ऑप्शन आपको मिलता है, मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चैनल, तो आपको यहाँ से जाना होगा चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर क्लिक कीजिए, देन फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो मेरा इस तरह का चैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से मेरा आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनर वेरीफाइड, अभी आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है मनोज देव ब्लॉग्स के नीचे पार्टनर वेरीफाइड। तो ये पार्टनर वेरीफाइड की जगह अगर आपका चैनल वेरीफाइड नहीं है तो आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा ब्लू कलर में वेरीफाई। तो वेरीफाई के ऊपर प्रेस कर देना, देन आपको फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, फ़ोन नंबर दे देना। फ़ोन नंबर पे आपका एक मैसेज पे ओटीपी आएगा, ओटीपी दे करके यहाँ पे सबमिट कर देना, आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा वेरीफाइड है, अगर वेरीफाइड नहीं रहेगा आपका अकाउंट तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा आपको, वेरीफाई पे क्लिक करना, देन फ़ोन नंबर देना, ओटीपी देना, आपका चैनल हो जाएगा वेरीफाई सक्सेसफुल। अब वेरीफाई जब हो जाए तब आप अपने चैनल पर थंबनेल लगा पाओगे, थंबनेल का ऑप्शन आएगा। तो कैसे आएगा, तो गाइस थंबनेल लगाने के लिए मैं यूज करता हूँ YT स्टूडियो एप्लीकेशन को, ये देख सकते हो YT स्टूडियो एप्लीकेशन, इसको आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेना। देन यहाँ से आप जो है YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना और अपने YouTube वीडियोस को अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद आपके सामने वो सारा वीडियोज़ यहाँ से दिख जाएगा, जैसा कि मेरा किया हुआ। तो मेरे मान लीजिए इस वाले वीडियो पर थंबनेल लगाना है, तो इस वाले वीडियो को मैं क्लिक करूँगा, आपको भी इसी तरह से करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर में जो एक पैन वाला सिम्बल दिख रहा है, आपको पैन पर क्लिक करना है। तो ये एडिट कहते हैं इसको, तो एडिट पे चला जाएगा। उसके बाद अभी देख सकते हो आपका ऑप्शन आएगा एडिट थंबनेल, तो एडिट थंबनेल के ऊपर प्रेस करना है। देन आपको ऑप्शन आएगा कस्टम, ये देखिए चेंज वाला ऑप्शन। तो चेंज वाला ऑप्शन आपका अगर यूट्यूब चैनल वेरीफाई कर लोगे उसके बाद ही ये चेंज वाला ऑप्शन दिखेगा, वरना चेंज वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो ये वेरीफाई होने के बाद चेंज पे क्लिक कीजिए, चेंज पे क्लिक करने से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो अब आपका जो भी थंबनेल बना हुआ है गैलरी में, थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना, देन ये थंबनेल यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर देना। सेव जैसे ही कर दोगे ये वाला थंबनेल इस वाले वीडियो पे सेट हो जाएगा। तो बस दोस्तों, ये है सिंपल सा तरीका अपने यूट्यूब वीडियोस पे थंबनेल लगाने का। कोई भी ज़्यादा माथा खराब वाला चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ओनली 1 मिनट का काम है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ गई है अपने वीडियोज़ पर कैसे थंबनेल लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो पसंद आई अगर तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।